तो चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि दो वेरिएबल में अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है तो कंटिन्यूअस है या नहीं है, इसको कैसे चेक करेंगे। ठीक है, एक तो एप्सिलॉन डेल्टा मेथड है, कभी कभी हम डायरेक्टली वाई इक्वल टू एम एक्स मीन्स पाथ डिपेंडेंट देख के बता देते हैं कि अगर पाथ डिपेंडेंट है तो फिर वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। कभी कभी टू वेरिएबल्स को हमें क्या करना पड़ता है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि हम इजिली कैलकुलेशन कर सकें। ओके, तो देखते हैं कैसे होता है। ओके, तो पहले एक क्वेश्चन देखते हैं, मेथोडोलॉजी को हम लोग क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है, लेट एफ एक्स वाई इक्वल टू ठीक है, इतना प्रॉब्लम कहां पे ओरिजिन पे करेगा जब ए नॉट इक्वल टू जीरो, और जब जीरो इक्वल टू होगा उस केस में क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का अच्छा लेट इतना इक्वल टू इतना, देन शो दैट एफ इज कंटिन्यूअस एट ओरिजिन। ठीक है, आपको ये चीज प्रूफ करना है। हमें यहां पे फिर से क्या करना है, एप्सिलॉन और डेल्टा में रिलेशन या एप्सिलॉन और डेल्टा मेथड चूज करेंगे। हम लेस देन एप्सिलॉन लेंगे एंड एक डेल्टा खोजेंगे, डेल्टा कैसे मिलेगा वही काम करेंगे। ठीक है, तो मैं ज्यादा इसमें लिखाऊंगा नहीं, लेट एप्सिलॉन आपका कोई पॉजिटिव है, आवर टारगेट क्या होगा, फाइंड डेल्टा। ठीक है, हमारा टारगेट है डेल्टा फाइंड आउट करना, सच दैट तभी ना हमें प्रूफ करना है, तो मतलब कंटिन्यूअस तो है। जो एफ एक्स वाई दिया हुआ है इस फंक्शन का वैल्यू एट जीरो, जीरो पे क्या है, जीरो दिया हुआ है, ए लेस देन आपका क्या हो जाए एप्सिलॉन, कब, एनी बार जो उनके बीच का डिफरेंस है दैट इज। ओके, तो एक्चुअली ए मैंने कैसे लिखा, डिस्टेंस फॉर्मूला वेरी फर्स्ट डे मैंने लिखवाया था, आप लोग को याद होगा डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहाँ पे ओरिजिन से डिस्टेंस ले रहे हैं एक्स वाई का, तो क्या होगा यही वाला होगा ना। यहां तक किसी को समझने में दिक्कत है तो आप बताना। ओके, जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम हो ना जहां पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब इस टाइप को कुछ दिखे, तो आप पोलर अप्रोच ले लेना। ठीक है, पोलर अप्रोच क्या होगा, सब लोग जानते हैं, इसमें आपको करना है एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, दैट इज ये चीज आप इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमें उस क्वेश्चन में एक्स की जगह आर कॉस थीटा वाई की जगह आर साइन थीटा रख के आपको सोल्व कर देना है। ठीक है, तो इस मेथड से भी जो आपका सोल्यूशन आएगा वो सेम आएगा, वही आएगा जो आप डायरेक्ट कर रहे थे। तो आपको पोलर फॉर्म में अप्रोच लेना है, दैट इज एक्स और वाई को पोलर फॉर्म में रख देना। तो यहाँ पे देखिए, जब अगर आप एक्स की जगह आर कॉस थीटा और वाई की जगह आर साइन थीटा रखेंगे तो क्या होगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली उसी चीज को लिख दे रहा हूं। तो यहां पे आपका एक्स वाई क्या बन जाएगा, ए आर और थीटा का फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, अच्छा यहां पे लिमिट कैसे वर्क करेगा, वहां पे देखिए एक्स कोमा वाई ये दोनों जीरो जीरो पे जा रहा है। अब यहां पे क्या होगा, थीटा पे फर्क नहीं पड़ेगा, आर टेंड्स टू जीरो होगा। ठीक है, और वो कैसे होता है मैं यहां पे शो कर दे रहा हूं। जैसे देखिए मैंने ए ले लिया और एक सर्कल बना लिया यहाँ पे, ठीक है एक सर्कल है। जब आप एंगल जीरो लेंगे तो क्या होगा, एक लाइन होगा। अगर जीरो डिग्री लेते हैं तो ए लाइन होगा। ठीक है, अब ए एंगल आप कुछ भी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, यही होगा ना। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे तो लिमिट आपका नहीं निकलेगा ना, बस ए एक राउंड राउंड काटेगा। तो आप जब रेडियस को जीरो करेंगे तो मान लीजिए आपका ए रेडियस है पूरा, ठीक है तो रेडियस जीरो करेंगे तो क्या होगा, ए इस पॉइंट पर कन्वर्ज कर जाएगा। तो हमें इसी पॉइंट पे जाना था ना, आप इधर से भी ले लीजिए, मान लीजिए आपका रेडियस आप इधर से देख रहे हैं तो आप रेडियस घटाएंगे तो क्या होगा, घटते 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 जीरो पे चला जाएगा। ठीक है, बट अगर आप एंगल ले रहे हैं तो ए एंगल रोटेट करेगा। तो आप एग्जाम में अगर भूल भी जाए तो आपको क्या रखना है, एंगल को ऑलवेज मतलब एंगल को फ्री छोड़ देना है, एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ना है, तो एक चक्कर काटेगा। आपको रेडियस को ऑलवेज टेंड्स टू जीरो लेना है, रेडियस इस केस में क्या हो रहा है, रेडियस जीरो पे जा रहा है। ठीक है, ओके मैं अपने पे आता हूं।
तो यहाँ पे जो ये था ये पूरा काम आपका आर कर देगा, तो इस केस में हो जाएगा आर टेंस टू जीरो, ठीक है। अब इसमें रखेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, ऊपर था एक्स वाई तो ऊपर हो जाएगा आर स्क्वायर और साइन थीटा कॉस थीटा, एक्स वाई था ना, बात वही है, रीअरेंज करना पड़ेगा, कॉस थीटा साइन थीटा, और नीचे डायरेक्टली मैंने बोला था क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा था ना थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये माइनस जीरो था तो जीरो पे माइनस करने के बाद इतना ही रह जाएगा, और इसको हमें लेस देन एप्साइलन दिखाना है, ठीक है। तो लेस देन एप्साइलन दिखाना है तो उसके लिए कौन सा डेल्टा होगा, तो इसको सिंपलीफाई करिए, एस पूरे का वैल्यू तो वन हो जाएगा, तो अंडर रूट आर स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर का मतलब डायरेक्टली आर ही ले लीजिए आप, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अच्छा इसका कल मैंने फॉर्मूला बताया था तो क्या हो जाएगा, साइन टू थीटा अपॉन में टू, तो यहां से ले लेते हैं तो ए आर स्क्वायर हो गया, ए आर स्क्वायर हो जाएगा साइन टू थीटा अपॉन में टू, तो अपॉन में टू नीचे लिख दे रहा हूं, और ए आर स्क्वायर है तो बाहर में आर निकल जाएगा, ठीक है। तो ए पूरा हो गया, सिंप्लीफाई करेंगे तो ए इक्वल टू हो जाएगा, बाहर में ले रहे हैं तो मोड लगा देते हैं, इसको एक सेकेंड किधर गया, ए लेस देन हो जाएगा, ए आर से आर कट जाएगा आपका मोड आर अपॉन में टू, और ये हो जाएगा साइन टू थीटा, क्लियर। अच्छा कल हमने ये भी देखा था कि साइन थीटा ऑलवेज बाउंडेड बाय वन होता है, ठीक है, तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बाउंडेड बाय वन होता है, थीटा की जगह कुछ भी हो, टू थीटा हंड्रेड थीटा कुछ भी हो, ठीक है, तो ये ऑलवेज लेस देन वन होगा, तो ऑलवेज लेस देन होगा, तो ये किससे लेस देन हुआ, ये क्वांटिटी आपका ऑलवेज लेस देन वन, तो ये पूरा क्वांटिटी हो गया लेस देन आर बाय टू, ठीक है, और इसी को हमें लेस देन एप्साइलन दिखाना, यही हमने लिया हुआ ना कि पूरा लेस देन एप्साइलन होगा, ठीक है। तो आप क्या करिए, यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, हमें डेल्टा निकालना है, तो डेल्टा निकालने का तरीका यही है, ए आर आपको क्या हो रहा है, टू एप्साइलन से छोटा हो रहा, दैट इज आपको इसको डेल्टा एज्यूम कर लेना है, ठीक है। अब हम इसको डेल्टा क्यों आर के लिए एज्यूम करें, क्योंकि हम मैंने क्या बोला था, पहले हमें एक्स वाई पे देखना था, तो एक्स वाई पे आर टेंस टू एक्स वाई पे एक्स और वाई दोनों जीरो पे जा रहा था, अब हम आर पे देखेंगे, थीटा से तो हमें कोई लेना देना नहीं है, तो अब आर को हमें जीरो पे भेजना है ना, तो वो कौन सा आर का वैल्यू होगा, मतलब वो डेल्टा कौन सा वैल्यू होगा जिसके लिए, अगर हम जैसे वहां पे ले रहे थे एक्स एक्स माइनस जीरो लेस देन डेल्टा और वाई माइनस जीरो लेस देन डेल्टा, अब इसका कंक्लूजन यहाँ पे कौन देगा, आर लेस देन डेल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो अब ए डेल्टा यहाँ पे, तो यहाँ से रिलेशन बन गया, अगर मैं टू एप्सिलॉन को डेल्टा ले लूं तो मेरा ये काम बन जाएगा, ठीक है, एक्स वाई से मैंने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया आर थीटा में, यहाँ से डेल्टा मिल गया, डेल्टा क्या मिल गया आपका टू एप्सिलॉन, तो ऐसा इस डेल्टा के लिए डेल्टा इक्वल टू अगर हम टू एप्सिलॉन लेते हैं तो हमारा ये जो गिवन है लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा, इसका मतलब हमारा जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर जाएगा, कौन सा, कंटिन्यूटी वाला, ठीक है। तो दैट इज फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा दिस डेल्टा सच दैट दिस इज लेस देन एप्सिलॉन दस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट जीरो जीरो, ओके। तो ये चीजें सबको समझ में आ गई, तो इसको छोड़ते हैं और मैं एक बार नोट से डिस्प्ले कर देता हूँ, इसमें इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, प्रैक्टिस में दिया होगा ये, एक क्वेश्चन आपको करवा दिया था अभी जो करवाया, और प्रैक्टिस इसका प्रैक्टिस नहीं है, तो इसके प्रैक्टिस मैंने कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, सभी लोग को मैं सजेस्ट करूंगा, कल वाला क्वेश्चन मैंने करवाया था फर्स्ट वाला, ठीक है। देखिए सेकंड क्वेश्चन, सो दैट इतना इज डिसकंटिन्यूअस एट ओरिजिन, तो आपको सेकंड को डिसकंटिन्यूअस प्रूफ करना है, थर्ड वन है सो दैट एफ इज कंटिन्यूअस एट ओरिजिन, ये वाला इसमें आप पोलर फॉर्म वाला ले सकते हैं और वैसे भी ले सकते हैं जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, और बी, अच्छा ये अभी हमने जो दिया था वही वाला है, ठीक है, और ए सी, सी में एक्स वाई के साथ किया था ना, बस इसमें टू मल्टीप्लाइड है, तो ऐसा भी मैंने करवाया अभी, एंड इधर वही है, जब जस्ट थोड़ा बहुत, सो दैट एफ इज कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, इसमें अब आपको देखना है कि किस केस में कंटिन्यूअस और किस केस में डिसकंटिन्यूअस, यहाँ पे तीन क्वेश्चन दिए हुए हैं, ओके, तो यहाँ पे तीन क्वेश्चन दिए हुए, तो सभी क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, सो करना है तो आंसर की तो जरूरत है नहीं, ठीक है, दैट इज इसमें दिख रहा है ना जीरो जीरो है लिमिट इसका,
आपको जीरो पे देखना है, ओरिजिन पे देखना है, तो इतना माइनस जीरो करके और उसको लेस देन एप्सिलॉन आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं हो पा रहा है तो आपके साथ कुछ ना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है। तो इसमें कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस दिखाना है, मतलब इससे पहले तो या तो कंटिन्यूस था या तो डिसकंटिन्यूस था, तो आप कोई भी कर सकते थे, बट इसमें दोनों ही है तो आपको सावधान रहना पड़ेगा आपका कैलकुलेशन गलत तो नहीं है। कुछ और अलजेब्रा इनका देख लेते हैं। अलजेब्रा मतलब होता है प्लस माइनस जोड़ घटाव गुणा भागा। तो एज्यूम कर लीजिए आपके पास एक एफ कंटिन्यूअस फंक्शन है एंड जी कंटिन्यूअस फंक्शन है, ए वन डी में मानिए या फिर टू डी में मानिए, ठीक है। वन डी मतलब वन डायमेंशनल, दैट इज आर सिंगल वेरिएबल, और टू डी मतलब टू वेरिएबल वाला, एज्यूम करिए टू डायमेंशनल में। तो यहाँ पे टू डी मतलब जैसे एफ क्या होगा, एक्स वाई का फंक्शन होगा, और अगर हम वन डी में देख रहे हैं तो एफ एक्स होगा, ठीक है। तो दोनों के लिए रिजल्ट ट्रू है इसलिए मैंने वो सब नहीं लिखवाया, डायरेक्टली एफ और जी लिख दिया। तो अगर एफ कंटिन्यूअस है, जी कंटिन्यूअस है, तो इनका सम भी कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। इसी को अलजेब्रा बोलते हैं, प्लस माइनस को। दूसरा, इनका डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। थर्ड, इनका प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। और फोर्थ, इनका फ्रैक्शन भी कंटिन्यूअस होगा, कहां पे, जहां पे ये नीचे वाला जीरो हो रहा है उस पॉइंट को छोड़ के, एक्सेप्ट जी, जैसे अगर वन वेरिएबल में है तो ए नॉन जीरो होगा, और अगर टू वेरिएबल में है तो जी एक्स वाई नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो जो आपने डिस्कस किया ये वही चीज है, ठीक है। दैट इज, इसका मतलब है अगर कोई फंक्शन, और एक चीज और फिफ्थ वन, ये इसका पार्ट नहीं है, इसको रिमार्क कर लीजिए। रिमार्क क्या है कि अगर एफ इज कंटिन्यूअस ऑन डी, बी मतलब कोई एक रीजन या सेट या डोमेन जो भी दे दिया आपको, ठीक है। अगर कंटिन्यूअस है इसका मतलब करेगा, इसका मतलब क्या होगा कि एफ जो होगा इसके हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, देन एफ इज कंटिन्यूअस एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ डी। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका मतलब होता है कि अगर डी के अंदर कोई भी एक पॉइंट ऐसा मिल गया जिसपे एफ कंटिन्यूअस नहीं है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। कल वाला याद करिए, पी इंप्लाई क्यू का निगेशन क्या होगा, नॉट क्यू इंप्लाई नॉट पी, दैट इज इफ एफ इज कंटिन्यूअस ऑन डी, दिस इंप्लाई दैट एफ विल बी कंटिन्यूअस ऑन ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ डी। कन्वर्स, अगर एफ किसी एक पॉइंट मिल जाता है जहां पे कंटिन्यूअस नहीं हो रहा है तो इसका मतलब फंक्शन उस जो भी रीजन दिया हुआ है जिसको हम लोग डी बोल रहे हैं उस पर कंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा आपको। और ये हेल्प कैसे हमें करता है ये देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दिया आपको कि आपको ये पता है कि एक्स कंटिन्यूअस है, ठीक है, मैंने एक और कंटिन्यूअस फंक्शन एक्स दे दिया तो क्या होगा, ए भी कंटिन्यूअस ए भी कंटिन्यूअस, इनका प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर भी कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। हमें पता है कि एक्स कंटिन्यूअस है, हमें पता है कि साइन एक्स कंटिन्यूअस है, तो इनका प्रोडक्ट एक्स साइन एक्स ए भी कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इस टाइप से हमें बहुत जगह हेल्प करता है, तो जब प्रॉब्लम आएगा ना तो इन सारे चीजों का हम लोग अप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। इसी की हेल्प से हम लोग ये भी बता सकते हैं कि एक्स प्लस साइन एक्स भी कंटिन्यूअस है और एक्स माइनस साइन एक्स भी कंटिन्यूअस है, इसकी हेल्प से और इसकी हेल्प से, ठीक है। तो कंटिन्यूटी वाला यहीं पर खत्म करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्शनल एंड पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। हेल्प के भी हमने कर लिया, इसको ना देखो बार बार लिखना पड़ेगा। तो पार्शियल डेरिवेटिव के लिए मैं पीडी यूज कर लूंगा और डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए डीडी, ठीक है। तो हमारा काम आसान रहेगा, सबको हमें समझना ही है ना, बार बार क्यों इसको लिख के टाइम किल करना। अगर कोई एक फंक्शन एफ दिया है जो एक्स का फंक्शन है मतलब सिंगल वेरिएबल में, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव करिए या फुल डेरिवेटिव करिए कोई फर्क नहीं पड़ना। एक फंक्शन आपको एफ एक्स दिया है तो इसके डिफ्रेंसिएशन को, फुल डिफ्रेंसिएशन को हम लोग इस टाइप से लिखते हैं, ठीक है। इसको नोटेशन में हम लोग इस टाइप से भी यूज करेंगे, कभी कभी ए भी यूज करते हैं रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो इस टाइप का आप लोग को बहुत बार ये दोनों तो मान लो फर्स्ट दो मतलब ए और ए आपको मोस्टली सब्जेक्ट में मिलेगा, बट डिफ्रेंसिएशन
या डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको डी या फिर डीएक्स, ए टर्मिनोलॉजी भी देखने को मिलेगा। इधर आपको कैलकुलस और रियल में ए टर्मिनोलॉजी डी और डीएक्स वाला नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे डी मिलेगा तो ओपन डिस्क का उसका अलग ही मीनिंग रहेगा, ठीक है। और ये सब कुछ क्लियर हो गया। उसी तरह अगर एफ हमारा टू वेरिएबल का है, ठीक है, तो इसका अब देखिए दो वेरिएबल में है तो फंक्शन यहाँ पे देखो हम लोग जो करते हैं इंडिपेंडेंट क्या करते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो अब फंक्शन का तो दो वेरिएबल है तो दोनों का बराबर कंट्रीब्यूशन है ना, तो अब इसमें आ जाता है पार्शियल डेरिवेटिव का कंसेप्ट, ठीक है। इससे पहले तो ये है तो इसमें पार्शियल और फुल का कोई मतलब ही नहीं है, एक ही डेरिवेटिव है, लेकिन यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो पार्शियल डेरिवेटिव, तो पार्शियल डेरिवेटिव अगर मान लीजिए पार्शियल की बात करेंगे तो फिर मैं ये तुरंत ही पूछूंगा एक्स या वाई, तो फिर कुछ बताएंगे एक्स, तो अगर एक्स के रेस्पेक्ट में आप करेंगे तो यहाँ पे जस्ट मैं रिकॉल ही करवा रहा हूं, ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, डेल एफ अपन में डेल एक्स, ए रिप्रेजेंटेशन है लिखने का। उसी तरह वाई के रेस्पेक्ट में लिखना होगा तो डेल एफ अपन में डेल वाई, ये हुआ पार्शियल डेरिवेटिव। इसको दूसरे तरह से ऐसे भी लिखा मिल जाएगा आपको एफ एक्स और एंड एफ एक्स और एफ वाई, ठीक है। तो अब देखिए अगर सिंगल वेरिएबल में है तो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन भी आप इसको बोल सकते हैं, बट टू वेरिएबल में है तो एफ एक्स और एफ वाई का डेफिनेटली मीनिंग होगा पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। ओके, इसको अगर देखिए ये होता कैसे थोड़ा सा देख लेते हैं। हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है तो जब हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं ना तो वो एक तरह का, जैसे मान लीजिए कुछ एक एग्जाम्पल ले ले रहा हूं, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ले लिया, ठीक है। तो अब मुझे इसका एफ एक्स निकालना हो, मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, तो ये क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखिए थोड़ा देर पहले मैंने बताया था वन वेरिएबल का, तो क्या कर रहा था ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन कर रहा था एफ का एक्स के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे भी करेंगे एफ का एक्स के रेस्पेक्ट में ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन बाय कंसिडरिंग वाई एज अ कॉन्स्टेंट, ठीक है। दैट इज आपको वाई को कॉन्स्टेंट ट्रीट करना है, तो अगर वाई को कॉन्स्टेंट ट्रीट करोगे तो आपको क्या सिर्फ x का बचा, जब यहाँ पे बचा तो हम क्या करेंगे x के रिस्पेक्ट में ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन करेंगे बाय ट्रीटिंग y एज अ कांस्टेंट, ठीक है। तो मान लो कि y कांस्टेंट है, कुछ न कुछ कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इसका करेंगे, अब ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन करिए तो इसका हो जाएगा 2x, और y तो हमने बोला था कि इसके लिए कॉन्स्टेंट होगा तो कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, तो इसका ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन इतना ही होगा। उसी तरह एफ का वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना होगा तो क्या होगा, ये जो एफ एक्स दिया हुआ इसका ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन बाय कंसीडरिंग एक्स एज अ कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर एफ को इसमें हम एक्स को कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो और वाई का डेरिवेटिव टू वाई, ठीक है। तो ये इसका मेथोडोलॉजी है निकालने का, आई होप ये सबको क्लियर होगा। ओके, तो जैसे मैंने एफ ले लिया एक्स वाई का फंक्शन, ठीक है, कभी कभी ना आपको इसको इस टाइप से भी दिया रहता है यू इक्वल टू एफ एक्स वाई दे देगा, ठीक है। तो या तो यू एक्स पूछेगा तो यू एक्स मतलब वही एफ एक्स निकालना है। ओके, तो जैसे इसको एक दूसरे टर्म में देख लेते हैं कि आपका यू एक्स क्या होगा, दैट इज एफ एक्स क्या होगा, ठीक है। अभी मत सोचना कि यू एक्स है एक्स के रिस्पेक्ट में कर, दैट इज आप एफ का ही कर रहे हैं ना, बस लिखने वाले टर्म को हमने छोटा कर दिया, ठीक है। तो इसको अगर लिमिट वाले सेंस में देखें और जो इसका डिफिनेशन है, हालांकि इसका कहीं यूज नहीं होता है, तो अब टू वेरिएबल का है ना, वन वेरिएबल वाला तो इजी होता है, तो पहले टू वेरिएबल का देख लेते हैं, इसे इजीली हम करेंगे। अब मान लो कि किसी हम लोग एक्स नॉट किसी पॉइंट पे बात करेंगे ना, मतलब डेरिवेटिव निकालते हैं तो ईच एंड एवरी पॉइंट पे डेरिवेटिव निकलता है, ऐसे नहीं कि इन जनरल किसी फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। अगर कोई फंक्शन दे दिया, ठीक है, मान लो कि कोई फंक्शन दे दिया इस टाइप से है, तो इसका डेरिवेटिव पूछे तो डेरिवेटिव मतलब कहां पे डेरिवेटिव, जैसे यहां से यहां तक पूरा डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, अच्छा है, मान लो जैसे एक ग्राफ है, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव बात करें तो कहां पे, अब इस पॉइंट पे डेरिवेटिव थोड़े ना एग्जिस्ट करेगा, और एग्जिस्ट मतलब एग्जिस्ट तो कर जाएगा, कितने होंगे इन्फिनेटली मेनी डेरिवेटिव हो जाएंगे डिफरेंशियल, वही वहां यहाँ पे भी होगा, उसी इस तरह यहाँ पे भी होगा। तो ऐसे डेरिवेटिव कहाँ, किसी न किसी पॉइंट पे ना, अज्यूम करते हैं कि हम किसी इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे निकालते हैं, तो पॉइंट क्या कुछ एक्स नॉट वाई नॉट हमने नाम दे दिया, ठीक है। इन जनरल किसी फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं होता, किसी फंक्शन के किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव होता है। ओके, यहां तक किसी कोई डाउट, तो जिसके रेस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, उसमें आप h जैसे x के ले रहे हैं तो यहाँ पे h लगा देना, ठीक है, और जिस पॉइंट पे पॉइंट x नॉट है तो x नॉट पॉइंट पे मैं निकाल रहा हूं, अच्छा x नॉट प्लस एच वाई नॉट, ठीक है, माइनस फंक्शन का वैल्यू एट दैट पॉइंट अपॉन में एच, ठीक है,
ए आपका देगा एग्जिस्ट करेगा और जो वैल्यू होगा वही आपका हो जाता है। तो इसी वे में अगर हम लोग वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या करेंगे, इसका बहुत इस फॉर्मूले का कम अप्लीकेशन होता है, डायरेक्टली हमें जो पता है जैसे ऊपर मैंने बता दिया ये इसी मेथड से सोल्व करेंगे तो आएगा, ठीक है। बट है कि इतना ये थ्योरी कौन, अच्छा तो कुछ दूसरा वेरिएबल ले लीजिए, मैंने के ले लिया, के टेंस टू जीरो। अब मुझे y के रिस्पेक्ट में करना है ना, तो x को एज इट छोड़ दीजिए, ठीक है, और y वाले में एक k जोड़ दीजिए, ठीक है, k टेंस टू जीरो, एंड देन वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट। अच्छा डेरिवेटिव आप लोग को पता होगा कि टेंजेंट देता है, ठीक है, डेरिवेटिव मतलब टेंजेंट, ठीक है। जैसे मैंने y इक्वल टू कुछ एफ एक्स दे दिया तो y डैश क्या होगा, एफ डैश एक्स होगा, और कोई ये ग्राफ है इस पॉइंट पे अगर मैं डेरिवेटिव कर रहा हूं दैट इज मैं टेंजेंट निकाल रहा हूं, ठीक है। इस टेंजेंट का इक्वेशन देता है आपका डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो अगर किसी पॉइंट पे एक से ज्यादा टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा तो हम बोलते हैं कि उस पॉइंट पे वो ग्राफ या वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। एग्जाम्पल ये ले लिया, ठीक है, इस पॉइंट पे देखिए इनफिनिटली मेनी टेंजेंट हो सकते हैं। देखिए मैं जैसे कुछ ड्रा कर दे रहा हूं, एक टेंजेंट ए हो गया, एक टेंजेंट ए हो गया, एक टेंजेंट ए हो गया, ऐसे बहुत सारे टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो जेम ही एक से ज्यादा पॉइंट पे, मतलब सॉरी एक पॉइंट पे एक से ज्यादा डिफरेंट टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उस पॉइंट पे वो ग्राफ और फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अतः इसीलिए अगर आप किसी भी ग्राफ में ये देख पा रहे हैं कि कोई भी ऐसे शार्प पॉइंट बन रहा है, ठीक है, कोई ऐसे ग्राफ है और किसी पॉइंट पे शार्प बन रहा है ग्राफ, तो उस पॉइंट पे ग्राफ डिफरेंशिएबल कभी भी नहीं होगा, ठीक है। एक तो ये मेथोडोलॉजी है, तो जैसे मान लो कि मैंने ये बना दिया ना, ऐसे दे दिया, तो आप बोलोगे ग्राफ ए फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, कहां पे, इस पॉइंट पे, बाकी हर जगह डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो जो डिफरेंशिएबल होता है ना इसी को हम लोग बोलते हैं स्मूथ। जो कंटिन्यूअस प्लस डिफरेंशिएबल होता है, कंटिन्यूअस बोलने का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि कंटिन्यूअस नहीं होता डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएबल है मतलब कंटिन्यूअस है, तो ये बोलते हैं कि स्मूथ है, ठीक है। अब देखिए इस पे हम नहीं बोलेंगे कि स्मूथ है, तो ये सब टर्मिनोलॉजी जो आपको बार बार आगे काम पड़ने वाला है। तो आई होप यहां तक सबको क्लियर होगा। ओके तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव देख लेते हैं कि वो क्या होता है। अरे क्या हो गया कलम को, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक है, डीडी में शॉर्ट में लिख दिया। तो पार्शियल डेरिवेटिव का तो आप कंसेप्ट समझ ही गए, इतना से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। ओके तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है, एक पहले फंक्शन में बता दे रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव का मैं कुछ नाम दे दिया डी। ओके डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो हमें नेट में क्वेश्चन आता है, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या, ए भी एक तरह का मैपिंग ही है, ठीक है। वो क्या है, तो सिंपली हमें क्वेश्चन क्या देगा, जो हमारे एग्जाम में देता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसी पॉइंट पी पे, ठीक है, जैसे ये कुछ एक्स वाई हो गया, तो इस पॉइंट का डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होगा, इन डायरेक्शन ऑफ सम अदर पॉइंट क्यू, ठीक है, इसको कुछ यू वन और यू टू नाम दे, ठीक है। तो हमें सिर्फ इतना देगा कि एक क्वेश्चन देगा कि मतलब तीन चीजें दिया रहेगा, एफ दिया रहेगा, पी दिया रहेगा, क्यू दिया रहेगा। आज तक जितने भी क्वेश्चन नेट गेट में पूछे हैं उसमें से 99% क्वेश्चन जो है सिर्फ यही दिया रहता है, एक फंक्शन दिया रहेगा, एक पॉइंट दिया रहेगा, एक और पॉइंट दिया रहेगा, और क्या पूछेगा, व्हाट विल बी डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इन डायरेक्शन ऑफ दिस, ठीक है। अब जैसे मान लो अगर मेरे को डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है इस पॉइंट पे, किसके डायरेक्शन में, इधर का निकालना है तो कुछ और होगा, अगर इधर के डायरेक्शन में निकालना है तो कुछ और होगा, इधर निकालना है तो कुछ और होगा, ठीक है। तो हर एक पॉइंट के डायरेक्शन में अलग अलग होगा, ठीक है। तो जैसे आप बोले कि किसी पॉइंट का डायरेक्शनल डेरिवेटिव यूनिक होता है, तो ये आपको समझ में आ गया कि यूनिक तो कभी होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि आप किसके डायरेक्शन में निकाल रहे हो, जिसके डायरेक्शन में निकालोगे उसके अकॉर्डिंग वो चेंज कर जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव फंक्शन देख लेते हैं, इसके बाद डेफिनेशन मैं आपको करवाता हूँ, डेफिनेशन नोट डाउन ही है, तो बस हमें समझना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है। हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं किसका, किसी फंक्शन एफ का, ठीक है, ए वन डी के लिए मैं अभी बात कर रहा हूं, इसी को हम लोग एक्सटेंड कर देंगे। आपका टू डी का ही क्वेश्चन पूछता है, वन डी का नहीं पूछता है, टू डी और कभी कभी थ्री डी का पूछा हुआ है, ठीक है। एक फंक्शन का कहां पे, किसी एक्स नोट पॉइंट पे, ठीक है,
किसी एक्स नॉट पॉइंट पे, किसके डायरेक्शन में, किसी यू के डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ इन डायरेक्शन ऑफ यू एट पॉइंट एक्स नॉट, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ, ठीक है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एट एक्स नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ यू, क्लियर। आपको ए सिंबल इस टाइप का लिखा रहेगा, ये क्योंकि स्टैंडर्ड सिंबल है तो ये आपको ऐसे देखने को मिल जाएगा, तो इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए। कि वैसे भी देखिए, अगर आप भूलेंगे तो मैं याद रखने का तरीका बता दूं, हम किसी फंक्शन का वैल्यू किसी पॉइंट पर निकालते हैं तो क्या करते हैं, उसमें फंक्शन का वैल्यू रखते हैं ना। अगर हमें एफ एक्स दिया हुआ है और मैं पूछूंगा कि इस फंक्शन का एक्स नॉट का वैल्यू क्या होगा, तो आप एक्स की जगह एक्स नॉट रख दोगे, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे कर रहे हैं, तो ए हो गया आपका वैल्यू जिस पॉइंट पर निकालना है, तो जो बचा दूसरा वाला क्या हुआ, उसके डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब एक कितना होता है, बस जो हमने डायरेक्शनल पार्शियल डेरिवेटिव का डेफिनेशन पढ़ा था ना, वैसे ही इसको कर दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू जीरो और वन वेरिएबल में है, तो आप जिस पॉइंट पे कर रहे हैं x नॉट पे कर रहे हैं x नॉट, ठीक है, प्लस h वाला ले लीजिए h, वहां पे देखिए हम यही कर रहे थे ना, अब यहाँ पे h जिसके डायरेक्शन में, u के डायरेक्शन में ना u, ठीक है, ये माइनस फंक्शन का वैल्यू एट दैट पॉइंट अपॉन में h, ठीक है। अब ये बाकी मतलब मीनिंगफुल होना चाहिए, क्या मीनिंगफुल मतलब, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट ऑन द आरएचएस, ठीक है। आरएचएस मतलब ए वाला जी है, ये लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, एग्जिस्ट नहीं करेगा तब हम बात नहीं करेंगे। तो एग्जिस्ट करने के बाद जो होगा ए क्वांटिटी, इसी को हम लोग डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एट एक्स नॉट इन डायरेक्शन ऑफ यू बोलेंगे, ठीक है। अब हम 2D के लिए देखते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है 2D का ही आता है। इसमें जो हमने पार्शियल डेरिवेटिव का पढ़ा था 2D के लिए, बस वही करेंगे। तो अब देखिए पीछे वाले के साथ साथ मैं करवाता हूं ताकि आपको दिखिए, हमने D लिखा था, ठीक है, और यहाँ पे U लिखा था, ठीक है, नीचे में। तो अब हमारा मैंने D ले लिया और यहाँ पे U लिखा था, अब क्या लिखेंगे, U1 और U2, यहाँ पे U1 कोमा U2, ऐसा दिख नहीं रहा है, ये U1 कोमा U2 इसके डायरेक्शन में, ठीक है, किसका, फंक्शन का, किस पॉइंट पे, X0 और Y0 पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे निकालने से एक क्या होगा, बस यही डायरेक्शनल डेरिवेटिव 2D में, लिमिट, और इसके बाद में शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, एच टेंस टू जीरो, तो एच टेंस टू जीरो आप समझ गए होंगे कहां पे लगाने वाला हूं मैं, फंक्शन कहां पे था, एक्स नॉट पे प्लस एच यू वन, ठीक है, कोमा, अब दूसरा वाला ले लीजिए वाई नॉट प्लस एच यू टू, ठीक है, माइनस फंक्शन का वैल्यू एट दैट पॉइंट, फंक्शन का वैल्यू एट एक्स नॉट कोमा वाई नॉट अपॉन में क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। ये चीजें क्लियर है, ओके। तो यहां पे सिंपली क्या है, जैसे हम 2D में पढ़ रहे हैं तो यू हमारा ए पॉइंट था जिसपे हम लोग निकाल रहे थे, 1D में पढ़ रहे थे एक पॉइंट था, तो एक फंक्शन का एक पॉइंट पर एक पॉइंट के डायरेक्शन में हम जो कैलकुलेट करते हैं वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है, जिसका मेथोडोलॉजी है, ठीक है। तो अब एक दो क्वेश्चन करते हैं, बहुत देर से थ्योरी थ्योरी हो जा रहा है। क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड, क्योंकि पार्शियल तो आप जानते ही हैं, तो फाइंड द डायरेक्शनल, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स वाई, ठीक है। और आप लोग इमीडिएटली फॉर्मूला ऊपर डिस्प्लेड है, 2D के लिए मैं करवा रहा हूँ क्योंकि फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल हम लोग पढ़ रहे हैं, वन का तो इसलिए करवा रहा हूँ कि इस टाइप का नेट में भी आए तो आपसे हो जाना चाहिए, हालांकि नेट में भी 2D ही पूछता है, ठीक है। ये फॉर्मूला ऊपर दिख रहा है, तो आई होप किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर फोर, कब, जब
एक्स और वाई नॉट इक्वल टू जीरो जीरो, और जब जीरो जीरो होगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये जीरो जीरो। एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ इतना इन डायरेक्शन ऑफ फंक्शन ले लीजिए √2, √2 एट कहां पे, कुछ पॉइंट दिया हुआ है जीरो जीरो। एक क्वेश्चन है, एक फंक्शन का एक पॉइंट पर, एक पॉइंट के डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। क्विकली करिए, ऊपर फॉर्मूला डिस्प्लेड है, जितना फास्ट कर सकते हैं आप लोग, लगभग सभी ने कर लिया, ठीक है। एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 38 क्विकली देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 और इसका आंसर बताइए कौन सा होगा। वही क्वेश्चन है, सब कुछ वही ढांचा, मैंने जो क्वेश्चन लिखा था उसमें एक्स वाई स्क्वायर लिखा होगा, एक्स वाई स्क्वायर वाई फोर। देखिए फंक्शन भी वैसे ही है। अब यही मैं बोला था ना, आप लोग ऐसे सोचिए कि कोई भी प्रीवियस ईयर के, मैं बार बार क्यों फोकस करता हूं कि आप किसी और भी कंपटीशन का करें, सेल्फ से करें, तो ये लोग ना मैनिपुलेट उसी को करते हैं, नया मेहनत नहीं करना चाहते। तो इसीलिए देखिए मैंने जो किया, ए भी गेट का क्वेश्चन है और ए भी गेट का क्वेश्चन है, ठीक है। कहीं इसमें स्क्वायर कर दिया, कहीं उसमें स्क्वायर कर दिया, कहीं 1/√2, कहीं कुछ कुछ कर दिया। तो आप सोल्व करके इसका बताइए 38 का कौन सा ट्रू होगा। फॉर्मूला ये आपको दिख गया होगा, ठीक है, ये फॉर्मूला हमें फॉलो करना है। आई होप सबको याद हो गया होगा, पॉइंट पे प्लस एच टाइम्स जिसके डायरेक्शन में, एक्स में है तो देखिए फर्स्ट अपल क्या एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा, सेकंड वाई को, तो एक्स वाले में यू वन और दूसरे वाले में यू टू। ओके, गेट में बहुत सारे क्वेश्चन है ना, तो मैं एक क्वेश्चन और कर दे रहा हूं, अगर समझ में आ गया तो देखिये। ये तो था स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, अब करते हैं थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन, ठीक है। टेढ़े मेढ़े कैसे क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन है लेट एफ एक्स वाई इक्वल टू के एक्स वाई। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं यहां पे क्या कहने वाला हूं, ठीक है। मतलब एक मैंने अननोन दे दिया ना, अननोन क्या दे दिया, के, तो ऑब्वियस सी बात है मैं के का वैल्यू ही पूछूंगा, ठीक है, और बाकी सब वही है। लेट इतना इक्वल टू इतना फोर एक्स वाई, ठीक है, बिलोंग्स टू आर टू, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी के क्या है, वेर फोर इतना एन, जो के क्या है, कोई रियल नंबर है, ठीक है। देन क्वेश्चन, एक्चुअली इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमें किसी पॉइंट पे दिया हुआ है ना, तो पूछ रहा है कि के का वैल्यू क्या होगा। इफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ, ठीक है, एट 1, 2, ठीक है, इन डायरेक्शन ऑफ 1/√2, माइनस में दिया हुआ था, माइनस इतना, ठीक है, इन डायरेक्शन ऑफ दिस, ठीक है, इज 15/√2। जब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आपको मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ठीक है, तो आप लोग के का वैल्यू इमीडिएटली बताइए। हालांकि ऑप्शन देकर पूछा था, बट मैं आपको ऑप्शन नहीं दूंगा, आपको सोल्व करके बताना है। एक दूसरा मेथड बताता हूं जिसमें आपको यही क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है, तो इसमें एक और क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, तो उसका भी कर लेते हैं। क्वेश्चन में इसको ए नाम दे दे रहा हूं और दूसरा क्वेश्चन को बी, जो पहला कर लेंगे वो दूसरा करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन गेट में पूछता है, सो मैं द वैल्यू ऑफ एफ, मतलब ये लिंक्ड क्वेश्चन इसको बोलते हैं, दोनों लिंक्ड रहेगा, आपका पहला नहीं बनेगा तो दूसरा भी नहीं बनेगा। द वैल्यू ऑफ एफ एट ए लोकल मिनिमा इन द रेक्टेंगुलर रीजन, इन द रेक्टेंगुलर रीजन, कुछ एक आर में दे दे रहा हूँ इस रीजन को ना, इन द रेक्टेंगुलर रीजन वो सारे एक्स वाई आर टू के सच दैट, कितना टाइम हो गया 551, ओके, सच दैट ये जो मोड एक्स है
इस टाइप से टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन देते हैं आपके गेट में, ये नहीं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड दे देंगे, आपने मैक्सिमम मिनिमम निकालना सीख गया और डायरेक्टली निकाल दो। ठीक है, तो पार्शियल डेरिवेटिव और हमने देख लिया, इसलिए मैं इस टाइप का क्वेश्चन करवा रहा हूँ। इतना द वैल्यू ऑफ इतना इज क्या होगा, इसमें भी आंसर दिया हुआ है, बट मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप एक बार सोल्व करके और देखें क्या आता है। इतना आसान नहीं है जितना आसान हमने किया हुआ है, तो करिए। ठीक है, तो 2D का डायरेक्शनल डेरिवेटिव बता रहा हूं कि कैसे होगा, किसी पॉइंट पर किसी पॉइंट के डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होगा। मैंने एक 2D में फंक्शन ले लिया fxy, ठीक है, ओके। आप क्या कैलकुलेट करिए, fx और fy कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। और आपको दो चीजें दिया रहेगा, p दिया रहेगा, मतलब कोई एक पॉइंट मान लो x नोट और y नोट दिया हुआ है, और किसके डायरेक्शन में निकालना है, u लिया था ना हमने, तो यही ले लीजिए u1 और u2, ठीक है। इस पॉइंट के डायरेक्शन में हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना था, तो अब मैं सिंपल बता दे रहा हूं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f इन डायरेक्शन ऑफ q, मतलब u लिखा था यहां पे हमने, u लिखा था, तो आप इसके जगह u ले लेते हैं, आपके समझने के लिए थोड़ा आसानी होगा, इन डायरेक्शन ऑफ u, ठीक है। तो u के डायरेक्शन में हम निकाल रहे हैं, तो यहां पे ऐसे लिखा था, और किस पॉइंट पे, x नॉट पे और y नॉट पे, तो आप जिसके डायरेक्शन में निकालना है ना, इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। तो कैसे लिखेंगे, यू आई मतलब u1i प्लस u2j, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में ऐसे ही लिख रहे थे ना, जिसके डायरेक्शन में लिखना है। और लास्ट में क्या करना, आप क्या कर दोगे, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन सबको आता होगा, तो ए एक्चुअली होता है, इसको डेल ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है, ठीके? और डेल एफ निकालेंगे तो 2D में है ना, तो ए निकलेगा जो भी fxi प्लस fyj, दैट इज एक्चुअली ऐसे होता है, डेल ऑपरेटर डेल एक्स एफ आई प्लस डेल एफ डेल क्या होता है वाई, ठीक है जी। तो इतना डीप नहीं जाना चाह रहा, एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे, ठीक है, जिस पॉइंट पर निकालना है यू आई प्लस यू टू जे, ए वन है, इसका मल्टीप्लीकेशन कर देना, तो ये क्या हो जाएगा, और बाद में पॉइंट रख देना, कौन सा पॉइंट, एक्स नॉट वाई नॉट, ठीक है, तो यहां से क्या दे देगा एफ एक्स, अच्छा ये डॉट प्रोडक्ट तो पता ही होगा, आई का आई के साथ 1 देगा और जे के साथ 0 देगा, तो मैं डायरेक्टली आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूं, यू वन प्लस एफ वाई यू टू, ये सोल्व करने के बाद जो बचेगा उसमें क्या रख देना, एक्स की जगह एक्स नॉट और वाई की जगह वाई नॉट, तो ये होता है आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव फॉर 2D। सिमिलरली 3D के लिए मैं एक लाइन में बता दे रहा हूं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एट एक्स नॉट कोमा वाई नॉट कोमा जेड, ठीक है, इन डायरेक्शन ऑफ 3D में उसमें 1 था तो 1, अब u2 एंड u3, ठीक है, तो यहां पे 3 है, तो f दिया रहेगा और f आपका मान लेता हूं z, f कैसा होगा कुछ x y अच्छा z, तो इसको z ना मान के u ले लीजिए, ठीक है, ओके। तो जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होगा आपको f का मतलब डेरिवेटिव वाला सब करके हटा रहा हूं, डायरेक्टली आपको बता दे रहा हूं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f एट इसको हमने कुछ p नाम दे दिया, इसको u नाम दे दिया, तो इन डायरेक्शन ऑफ u एट p, ये क्या हो जाएगा डायरेक्टली जो फाइनल सोल्व करके आपका बनेगा वो एफ एक्स, जो मल्टीप्लाई में कर दे रहा हूं क्योंकि बात तो वही है, एफ एक्स इंटू यू वन प्लस एफ वाई यू टू प्लस एफ जेड यू थ्री, ये जो आएगा इसमें एक्स की जगह एक्स नॉट वाई नॉट और जेड की जगह जेड नॉट ए पुट कर देना, ठीक है, दैट इज मतलब यही आपका फॉर्मूला हुआ, ठीक है। मैंने क्या किया है,
मैं पहले डेल एफ निकाला हूं, तो ए आपका आ जाएगा, एक फॉर्मूला होता है, मैं इतना ज्यादा डीप नहीं जाना चाह रहा था, ये होगा डेल एफ डेल वाई, ये होगा प्लस डेल एफ डेल जेड की होगा। एक कैप रहता है तो बार बार लिख के टाइम क्यों खोटा करना। तो इसको सिंपली हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के, ठीक है। अब हमें जिसके डायरेक्शन में लिखना होता है, अगर पॉइंट यू दिया है तो आप यू क्या कुछ, अगर यहाँ पे थ्री डी था ना तो थ्री डी में कुछ दिया है, जैसे मान लो यू वन यू टू यू थ्री, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, यू वन आई यू टू जे प्लस यू थ्री के, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और ए लिखने के बाद आप इनका मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, वहीं आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है, दैट इज डेल एफ डॉट यू, ठीक है, एट किस पॉइंट पे जो था एक्स नॉट वाई नॉट, ये थ्री डी के लिए, वो जो मैंने टू डी वाला बता दिया ना, तब तक आप लोग उसको कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा डेल एफ डॉट यू एट जिस पॉइंट पे आपको निकालना है उस पॉइंट पे, ये क्या दे देगा, फाइनली सोल्व करेंगे तो एफ एक्स का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, तो हो जाएगा एफ एक्स इंटू यू वन प्लस दूसरा वाला एफ वाई इंटू यू टू प्लस एफ जेड इंटू यू थ्री। एक्चुअली मेरे को बताना एक यही लाइन था, बट मैं सोचा शायद किसी को कोई दिक्कत हो, तो आपको बस वन डी टू डी थ्री डी के लिए सबके लिए यही याद रखना है, ठीक है। तो 1D के लिए तो 1D का कहीं पूछता नहीं है, 2D में भी ये लगा सकते हैं, 2D में आपको ये दोनों लेना होगा और 3D में ये वाला लेना होगा, तो इसकी हेल्प से आप K फाइंड आउट करिए, 4 4 ओके वेरी गुड। अब जो बताया हूं उस मेथड को यूज करिए और क्विकली K बताइए क्या होगा उस क्वेश्चन में।